हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इट्स वन्ना हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट पीटी एंड नाटी एक्सपर्ट्स। जैसे कि आपको पता है कि हमने सीडीपी की क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की हुई है, उसके हमारे दो क्लासेस हो चुकी हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं थर्ड क्लास, ठीक है, जिसमें कुछ 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कंसेप्ट वाइज समझ लेंगे कि क्या है, ठीक है। प्लीज अगर आप अभी तक भी चैनल से नहीं जुड़े तो अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको डेली नई इंफॉर्मेशन मिलेगी और आपकी जो सीटेट की प्रिपरेशन में हेल्प हो सकेगी, ठीक है। इसमें एम हमारा यही है कि 1000 क्वेश्चंस कर लें, जो कि आपके सीटेट सीडीपी सेक्शन को कवर कर लें फुली, ठीक है जी। तो आज के क्वेश्चंस कर लेते हैं। 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो ये वीडियो एंड तक देख लें अच्छे से, ओके। चलें शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फिर मल्टी सेंसरी अप्रोच पेन ले लेते हैं, जैसे कि हाँ जी, मल्टी सेंसरी अप्रोच इन टीचिंग लर्निंग इज द साइमल्टेनियस यूज ऑफ विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टिल एंड डैश सेंसेस टू इनहेंस लर्निंग। कहते मल्टी सेंसरी, मतलब बहुत सारी सेंसेस का जब अप्रोच फॉलो की जाती है टीचिंग लर्निंग में, जिसमें देखने में, सुनने में या टैक्टाइल मतलब टच करने में, एंड डैश सेंसेस टू इनहेंस लर्निंग, कौन सी सेंसेस यूज की जाती है लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए? वेस्टिबुलर, परसेप्चुअल, ऑब्जर्वेशनल और काइनेस्थेटिक। सिंपल आंसर है इसका ऑप्शन 4, ठीक है। काइनेस्थेटिक सेंसेस वो सेंसेस होती हैं जिसमें एक बच्चा पूरी अपनी बॉडी का यूज करके कुछ सीखता है। जैसे आप देखो छोटी क्लास में किंडरगार्टन कैसे याद रखना, किंडरगार्टन कैसे याद रखना काइनेस्थेटिक। किंडरगार्टन में बहुत आपने देखा होगा कि टीचर बच्चों से एक्टिविटी करवा करवा के उनको सिखाती है। मान लो वो कोई पोइम सिखा रही है तो बच्चों को वैसे ही एक्शंस करने को कहेगी। बहुत सारे जब फिजिकली आप इन्वॉल्व हो गए किसी चीज में सीखने में, तो उसे हम कहते हैं काइनेस्थेटिक सेंसेस। क्लियर है, ठीक है। तो आपने याद रखना है काइनेस्थेटिक वैसे भी कि जब बहुत सारी हम फिजिकल एक्टिविटीज करके कुछ सीख रहे हैं तो फिर वो ये कहलाता है। क्लियर, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। डिवेलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स पेरिफेरीज और एक्सट्रीमिटीज डिनोट्स दी। ये सेंट्रल पार्ट है, ठीक है, यहां से डिवेलपमेंट बाहर की ओर जा रही है, ठीक है। तो उसे क्या, कौन सी डिवेलपमेंट कहा जाएगा, ठीक है। सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स पेरिफेरीज और एक्सट्रीमिटीज डिनोट द प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सीमोडिस्टल डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ कस्केड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ रेडिएटेड डेवलपमेंट। तो इसे क्या कहेंगे, बहुत ही सिंपल है अगर आपने टर्म्स पढ़ी हुई हैं तो। इसे प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सीमोडिस्टल डेवलपमेंट कहा जाता है कि सेंटर से बाहर की तरफ डेवलपमेंट हो रही है। जैसे हमने सेफेलोकोडल पढ़ा होगा, आपने सेफेलोकोडल सुना है। सेफेलोकोडल में क्या होता है कि हेड टू टो जाती है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ डेवलपमेंट आती है। लाइक पहले माइंड डेवलप होगा फिर नीचे की तरफ डेवलपमेंट जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से प्रोक्सीमोडिस्टल डेवलपमेंट की आप एक तरह से डेफिनेशन समझ लो कि पहले सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी डेवलप होगा फिर बाहर की तरफ डेवलपमेंट होगी। क्लियर, आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। स्कूल एक ऐसी संस्था है जहां पे बच्चों का समाजीकरण किया जाता है। वहां पे स्कूल रूटीन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजिशन, की स्कूल में जो एक्टिविटीज होती हैं वो सेंट्रल पोजिशन ऑक्यूपाई करती हैं। स्कूल के टीचर्स ऑक्यूपाई करते हैं सेंट्रल पोजिशन, या स्कूल में बच्चे ऑक्यूपाई करेंगे सेंट्रल पोजिशन। तो बच्चों का समाजीकरण हमने करना है। स्कूल एक ऐसी संस्था है जिसमें बच्चे ही सेंट्रल पोजिशन में होंगे। उनकी लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए स्कूल का लर्निंग एनवायरनमेंट बेहतर बनाया जाएगा। उन्हें ही हमने केंद्र में रखना है, क्योंकि सारा फोकस बच्चों पे होना चाहिए कि हमें उनका समाजीकरण कैसे करना है। क्लियर, उनकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए वैसे ही स्ट्रेटजीज वगैरह फॉलो करनी है, उनकी लर्निंग नीड्स को पूरा करना है, ठीक है जी।
द पर्पस ऑफ टेट यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता ही होना चाहिए, आप सभी लोग एलिजिबिलिटी टेस्ट दे रहे हो, तो बहुत ही सिंपल है आंसर इसका कि क्या पर्पस होता है, हम क्यों टेस्ट दे रहे हैं, क्या चेक किया जाएगा, हमारा इंटेलिजेंस चेक की जाएगी या एप्टीट्यूड चेक किया जाएगा, एटीट्यूड चेक किया जाएगा या वैल्यूज चेक की जाएंगी। ये तो मैं क्रॉस कर दूं। देखिए, जब भी हम कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं किसी जॉब के लिए, तो वो हमारी एप्टीट्यूड चेक करते हैं। एप्टीट्यूड होता है किसी चीज को करने की क्षमता, ठीक है। हम जैसे टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं, तो हम कितने अच्छे से टीचिंग मतलब टीचर बन सकते हैं, हमारी एप्टीट्यूड, हमारी रुचि, हमारा रुझान चेक किया जा रहा है, ना कि बुद्धि, ना कि व्यवहार, जहां हमारी जो भी वैल्यूज है वो चेक की जा रही है, ठीक है। तो ये तरह एक तरह से हमारा एप्टीट्यूड चेक कर रहे हैं। क्लियर, आगे चले। इफ यू ज्वाइन अ टीचर फ्रेटर्निटी एंड चूज टू ड्रेस लाइक मोस्ट ऑफ द अदर्स इन योर ग्रुप, यू आर एग्जिबिटिंग। कहते हैं अगर आप कोई टीचर फ्रेटर्निटी को ज्वाइन करते हैं और आप उन्हीं तरह ग्रुप, जैसे ग्रुप ने ड्रेस पहनी हुई है, आप वैसे ही पहनते हैं, तो आप क्या शो कर रहे हो, ओबीडियंस शो कर रहे हो, कंप्लाइंस शो कर रहे हो, कन्फर्मिटी शो कर रहे हो, या ग्रुप आइडेंटिटी। बहुत सारे बच्चे ये ग्रुप को देख के ग्रुप आइडेंटिटी लगा आएंगे, जहां तक मुझे लगता है। पर देखिए, बात को समझें, ग्रुप आइडेंटिटी नहीं है आंसर इसका, कन्फर्मिटी होगा। बहुत सारे बुक्स में मैंने ग्रुप आइडेंटिटी ही देखा है, बट जो अगर हम सेंस बनाएं, कन्फर्मिटी का मतलब होता है समरूपता, समरूप यानी कि जैसे उसके ग्रुप में बाकी लोग लग रहे हैं, वह वैसे ही मतलब समरूप एक तरह से दिखा रही है, ठीक है। एक बार ये चेक कर लेते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है। हाँ जी, सब कुछ सही चल रहा है, चले, ठीक है। कन्फर्मिटी, ठीक है, समरूप, इसका मतलब समरूप, एक जैसा रूप। जैसे कि बाकी टीचर्स ने ड्रेस पहनी होगी, तो जो दूसरा टीचर अगर ज्वाइन कर रहा है, तो वो भी उनके जैसा ही ड्रेस करने की कोशिश करता है, ठीक है, ताकि सभी समान लगे, ठीक है। मेरे को तो यही अंडरस्टैंडिंग लगती है, अगर आपको कुछ डिफरेंट लगती है इस अंडरस्टैंडिंग से, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने भी यूट्यूब वीडियो पे ग्रुप आइडेंटिटी बताया हुआ है और बुक्स में भी यही कुछ है, बट अगर हम समझ के आधार पे कर रहे हैं तो कन्फर्मिटी इसका आंसर होना चाहिए। आगे देखें, द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेन्ड ड्यूरिंग पियाजेट्स डैश स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चों में आ जाता है पियाजे की किस स्टेज में। हमने चार स्टेजेस पढ़ी हैं, आपको पता है, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, फॉर्मल एंड सेंसरी मोटर। तो बिल्कुल सिंपल है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है सेंसरी मोटर स्टेज में, ये 0 से 2 साल, ठीक है, जिसमें बच्चा आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड नहीं होगा। आप उसका टॉय ले भी जाओगे तब भी उसे याद होगा कि हाँ वो मेरा टॉय था, है ना। ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है, वो फिर उसी चीज को पाने के लिए आपने देखा होगा जिद करता है, ठीक है। कि मैंने कई बार बच्चों को देखा है, दो साल के होते हैं, मतलब अगर उन्होंने कोई चीज देख ली, मान लो उनकी छोटी साइकिल है, उसकी मम्मी उसको खेलने नहीं दे रही, पर वो बच्चा जिद करेगा कि हाँ मुझे चाहिए वो साइकिल, चाहे साइकिल उसकी नजर से हटा के कहीं छुपा भी दी गई है। तो इसे कहेंगे हम ऑब्जेक्ट परमानेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सेंसरी मोटर स्टेज में होता है ये, फर्स्ट स्टेज है जो पियाजे की। अगला क्वेश्चन देखें, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम इज प्लान्ड फॉर द फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ। इंडिविजुअलाइज्ड का आप मतलब समझ लें, ये एजुकेशन प्रोग्राम किस चीज को दिमाग में रख के प्लान किए गए हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ओपन स्कूल, ई लर्निंग या स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम। सिंपल है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम तो चलाए जाते हैं कि बच्चों को केंद्र में रख के, क्यों, क्योंकि बच्चे हर विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, हर बच्चे में डिफरेंट एबिलिटीज हैं, डिफरेंट ट्रेट्स हैं, डिफरेंट उसकी पर्सनैलिटी है, तो एक उनकी क्या कहते हैं हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखते हुए, सिंपल बात करें अगर हम, तो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम चलाए गए हैं, सो दैट उनकी लर्निंग नीड्स हैं जो स्पेसिफिक, या उनकी जो अलग अलग लर्निंग नीड्स हैं उनको पूरा किया जा सके। तो ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन
प्रोग्राम है, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम भी ऐसे ही कुछ होते हैं, ठीक है। उसके अलावा प्रोग्रेसिव एजुकेशन प्रोग्राम भी ऐसे ही होते हैं जिसमें सभी बच्चों के नीड्स का ध्यान रखा जाता है बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन, पहला जो ऑप्शन है वो राइट है। बिटवीन डैश मंथ्स ऑफ एज मोस्ट चिल्ड्रन बिगिन टू कंबाइन वर्ड्स इनटू शॉर्ट सेंटेंसेस व्हाइल स्पीकिंग। 18 से 24, 24 से 30, 30 से 36 या 12 से 18। सिंपल है, अगर आपके घर में कोई बच्चा है उसको ऑब्जर्व करो तो देखो 2 साल के बच्चे छोटे छोटे वर्ड से सेंटेंस बनाना सीख लेते हैं, मतलब शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट। जैसे कोई उनसे पूछे आप कैसे हो, तो कहेंगे हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, तो इतना तो वो बोल लेते हैं। तो 18 and 24 यानी कि 2 साल का बच्चा जब होता है, 1.5-2 साल का बच्चा बोलने लग जाता है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, कई बच्चे वहां भी कंफ्यूज हो जाएंगे, पर अपनी समझ लगाएं प्लीज। मैं हमेशा कहती हूँ कि ऑब्जर्व करना सबसे बेटर होता है अगर आपने अच्छी तरह से लर्निंग करनी है। आगे देखें, कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंट क्वोशेंट और IQ वाज डेवलप्ड बाय बिने, स्टर्न, टर्मन या गोल्टन। तो सिंपल इसका आंसर है एल्फर्ड बिने ने दिया था कंसेप्ट ऑफ IQ। कुछ लोग स्टर्न को भी मान सकते हैं, बट मैं आपको बता दूं स्टर्न ने हमें एक फंक्शनल फॉर्मूला दिया IQ का, फंक्शनल फॉर्मूला दिया है, ठीक है, जिसमें ये मेंटल एज है ना, मेरे ख्याल से मेंटल एज ऊपर ही आता है, क्रॉनिकल एज into 100, तो ये उन्होंने हमें फॉर्मूला दिया है। स्टर्न ने हमें फंक्शनल फॉर्मूला दिया है, वेयर एज बिने ने हमें ये टर्म दिया है इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस क्वेश्चन की हमें एक तरह से उन्होंने टर्म दिया है, ठीक है। तो ये एक बात रही, तो आप याद रखोगे कि टर्म किसने इंट्रोड्यूस की, बिने ने, और फंक्शनल फॉर्मूला किसने दिया, स्टर्न ने। आगे चलते हैं, द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 हैज बीन इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज। बिल्कुल ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, कहते राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो 6 से 14 साल के बच्चों को दी गई है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में इंक्लूड किया गया है, Article 26, 15, 45 या Article 21A। तो अगर आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है, तो लगा दोगे ऑप्शन टिक, नहीं तो फिर ठीक है जी, बताइए आपको। तो Article 21A में है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के Article 21A में राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का जो है वो इंक्लूड किया गया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइलाइट्स असेसमेंट फॉर लर्निंग, वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। द टीचर, सारे ऑप्शंस में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, मैं पहले भी बता दूं, ये पेपर में आया हुआ है, ठीक है, और इसमें से पर क्योंकि सही कोई भी नहीं है, तो फिर भी हम क्या करेंगे, सही ढूंढने की कोशिश करेंगे जो बेस्ट हमें लगेगा। टीचर असेसेस द स्टूडेंट्स बाय कंपेयरिंग देयर रिस्पॉन्सेस टू स्टैंडर्ड रिस्पॉन्सेस। जो स्टैंडर्ड रिस्पॉन्सेस दे रहे हैं बच्चे, सॉरी, टीचर असेसेस द स्टूडेंट्स बाय कंपेयरिंग देयर रिस्पॉन्सेस टू स्टैंडर्ड रिस्पॉन्सेस। टीचर क्या करेगी, बच्चों के रिस्पॉन्सेस को कंपेयर करेगी जो स्टैंडर्ड, एक मतलब मान्य रिस्पॉन्सेस हैं, मतलब जो आंसर्स कह सकते हैं हम, आंसर्स हैं, उनसे कंपेयर करेगी, या टीचर असेस करेगी बच्चों की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट बिसाइड्स फोकसिंग ऑन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, या टीचर असेस करेगी स्टूडेंट को जो इंफॉर्मेशन टेक्स्ट बुक में दी है उनके आधार पे, या फिर टीचर असेस करेगी बच्चों को उनकी परफॉर्मेंस को देखेगी कंपेयर करके दूसरे बच्चों से। सिंपल सी बात है, पहला क्वेश्चन बिल्कुल ही गलत है कि जो दिए गए कुछ स्टैंडर्ड से आंसर्स हैं उनके साथ कंपेयर कर ले टीचर, या फिर टीचर टेक्स्ट बुक में जो नॉलेज है उसको वो कर ले, या फिर दूसरे बच्चों की परफॉर्मेंस को वो कर ले। असेसमेंट फॉर लर्निंग में आपको थोड़ा सा यहाँ पे नॉलेज दे दूँ, असेसमेंट फॉर लर्निंग एक तरह से फॉर्मेटिव असेसमेंट में होता है जिसमें बच्चों को, मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रोसेस ऑफ थिंकिंग पे जोर दिया जाता है और देखा जाता है कि असल में बच्चों ने क्या सीखा है, ठीक है। तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन इस टाइम पे लग रहा है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन कर दूँ, बहुत ही गंद मच गया है, तो Option number 2 इसका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि देखें, टीचर बच्चों की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स भी करेगी,
यहाँ पे बिसाइड्स आपने ये इस तरह नहीं लेना कि इसके अतिरिक्त फोकसिंग ऑन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, आपने ये नहीं समझना कि इसके साथ, आपने बिसाइड्स का मतलब यहाँ पे समझना है इसके साथ, कि वो प्रोसेस ऑफ थिंकिंग पे भी फोकस कर रही है और साथ साथ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स पे भी फोकस कर रही है। असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है एक्चुअल में यही है, कंसेप्चुअल लर्निंग और प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। इन्होंने बिसाइड्स लगाया है कि जैसे हम कहते हैं ना कि ये भी काम कर लो वो भी काम कर लो, ना कि इसके अतिरिक्त, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज समझें इस ऑप्शन को, ठीक है? तो यही राइट आंसर है, ठीक है? इनमें इनमें थोड़ा सा इन्होंने इंग्लिश में झोलझाल किया है, बट आपको अगर समझ आ गई है तो वी कैन मूव ऑन। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी क्या है उसका मतलब? सिंपल है, गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस एंड देयर वॉइसेस। चिल्ड्रन डिक्टेटिंग कर रही है बच्चों को कि क्या करें, अनेबल करना चिल्ड्रन की वो फॉलो करें प्रेस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन। टीचर लीडिंग कर रही है ऑल द लर्निंग इन द क्लासरूम। नहीं जी, ना तो टीचर ने डिक्टेटर बनना है, मतलब डिक्टेटर इन द सेंस कि ना तो टीचर मतलब एक तरह से डिक्टेट करे खुद ही, टीचर तो एक तरह फैसिलिटेटर का काम करेगा। ना ही टीचर ने बच्चों को कहना है कि हाँ भी जो इंफॉर्मेशन दी है बस उसको फॉलो करो, या फिर टीचर ही लीड करेगा जिसमें बच्चे पैसिव होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना। चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब है हमने बच्चों को प्रमुखता देनी है, उनके अनुभवों को और उनकी वॉइसेस को, मतलब जो वो बोल रहे हैं या वो जो अपना क्या कहते हैं क्लास में लेके आ रहे हैं, ठीक है, अनुभव लेके आ रहे हैं, हमने उसको प्राथमिकता देनी है, ना कि टीचर को, मतलब टीचर जो डिक्टेट कर रही है या टीचर जो बता रही है, ठीक है? सिंपल था ये तो, अंडरस्टैंडिंग बेस पे है। अगला 13th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब पियाजे एंड विगोत्स्की व्यूज ऑन लैंग्वेज एंड थॉट करेक्टली। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए पियाजे और विगोत्स्की दोनों ने ही लैंग्वेज एंड थॉट पे बात की है। पियाजे जहां मानते हैं कि पियाजे का मानना ये है कि थॉट पहले आता है फिर लैंग्वेज आती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिफरेंस इनमें। विगोत्स्की कहते हैं कि पहले लैंग्वेज आती है फिर थॉट आता है, कि उनका मानना है विगोत्स्की का कि जो विचार हम सोच रहे हैं वो किसी ना किसी भाषा में तो सोच रहे हैं ना, पर पियाजे के जो व्यूज हैं बिल्कुल इसके ऑपोजिट हैं, ठीक है? तो इनमें ऑप्शन देख लेते हैं। कहते हैं अकॉर्डिंग टू पियाजे थॉट इमर्जेस फर्स्ट एंड अकॉर्डिंग टू विगोत्स्की लैंग्वेज हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन थॉट। तो यही इसका आंसर है, हमें बाकी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि अभी मैंने आपको बता दिया पियाजे मानते हैं कि थॉट पहले आता है और विगोत्स्की मानते हैं कि लैंग्वेज का बहुत इम्पैक्ट होता है थॉट पे, ठीक है? बाकी ऑप्शन तो फिर क्या ही पढ़ने, ठीक है, जब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अकॉर्डिंग टू द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड स्टडी। बच्चे जो स्पेशल नीड्स वाले हैं, जिसे थोड़ी बहुत ही ना ऑडियो विजुअल काइंड ऑफ इम्पेयरमेंट हो सकती है, उनको हम स्पेशल नीड्स वाले बच्चे कह देते हैं, या जो सीखने में थोड़े पुअर होंगे या वीक होंगे, है ना, ऐसा कुछ बच्चों को हम स्पेशल नीड्स वाले कह देते हैं। तो उनको हमने राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में कैसे पढ़ाना है, इन स्पेशल स्कूल्स में पढ़ाना है या फिर देर पेरेंट्स और केयर गिवर्स घर पे, या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन सेटअप्स विद प्रोविजंस टू कैटर टू देयर इंडिविजुअल नीड्स, या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर विच वुड प्रिपेयर देम फॉर लाइफ स्किल्स। अभी तो हम बेसिक स्टडी की बात कर रहे हैं, पहले हम उनको इंक्लूसिव एजुकेशन सेटअप्स में पढ़ाएंगे। मैंने इंक्लूसिव आपको बहुत अच्छे से समझाया था, ये एक ऐसे सिस्टम है इंक्लूसिव क्लासरूम या इंक्लूसिव एजुकेशन सेटअप्स, जहाँ पे एक समावेशी कक्षा होती है जहाँ पे सभी बच्चों को एक साथ लेके चला जाता है उनकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, कि बच्चे मतलब किसी तरह से भी उनकी सेल्फ स्टीम में कमी ना आए और वो लर्निंग को इफेक्टिवली सीखें, ठीक है? तो ये इसी का आंसर है, इंक्लूसिव एजुकेशन। एन इफेक्टिव टीचर इन क्लासरूम वेयर स्टूडेंट्स कम फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स वुड। कहते एक कोई टीचर क्लासरूम में इफेक्टिव कब होगा, जबकि उसके जो बच्चे हैं विद्यार्थी हैं वो विभिन्न बैकग्राउंड से आ रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र से आ रहे हैं, तो एक इफेक्टिव टीचर, एक प्रभावशाली अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए? वो फोकस करेगा उनके कल्चरल नॉलेज को, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, या फिर पुश स्टूडेंट्स फ्रॉम डिप्राइव्ड बैकग्राउंड टू वर्क हार्ड,
ताकि वो मैच कर सके अपने पीयर्स से, या इग्नोर कर देगा कल्चरल नॉलेज को और साथ भी बच्चों को एक तरह यूनिफॉर्म मैनर में ट्रीट करेगा, या फिर बच्चों के स्टूडेंट्स के ग्रुप क्रिएट कर देगा, है ना, जिसके इकोनॉमिक बैकग्राउंड सेम है। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन हम इतना शोर मचा मचा के कह रहे हैं कि हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे ध्यान देते हुए सभी को साथ में लेके चलना है और सबकी नीड्स को पूरा करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है, बाकी तीनों नेगेटिव हैं। आप देखें, एक टीचर का काम है कि बच्चों की विभिन्नताओं को देखते हुए, उनके कल्चर की नॉलेज रखते हुए, उनको वैसे ट्रीट करना, उनको वैसे ही लर्निंग प्रोवाइड करवाना। ठीक है, सिंपल था इसका आंसर, फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, लर्निंग इज डैश एंड इन डैश इन इट्स करेक्टर, या कह लो नेचर। पैसिव है लर्निंग, सिंपल है, एक्टिव है, सोशल है, पैसिव सोशल है या एक्टिव और सिंपल है? सिंपल है, लर्निंग एक्टिव है, देखें। और सबसे बड़ी बात, ये सोशल है इन करेक्टर, क्योंकि जो हम कहते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहकर सीखता है, वह समाज को ही अपनी जो सीखी हुई नॉलेज है फिर आगे प्रदान करता है। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बहुत डीपली इस चीज को अंडरस्टैंड करता है और इम्प्लीकेट भी करता है कि लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है, बच्चे अपने एक्सपीरियंसेस उससे सीखते हैं और बच्चे सोसाइटी में रह के सीखते हैं। तो एक तरह से सोशल है नेचर में लर्निंग, हमेशा याद रखना, लर्निंग इज सोशल इन नेचर। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। आगे देख लेते हैं, टू अनेबल स्टूडेंट्स टू थिंक इंडिपेंडेंटली एंड बिकम इफेक्टिव लर्नर, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू, बच्चों को वो अपने इंडिपेंडेंटली सोच सकें, खुद से, मतलब इंडिपेंडेंटली खुद से सोच सकें, ठीक है। तो इसलिए टीचर क्या करेगी, बच्चों को ये सिखाएगी कि हाउ टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, या फिर रिवार्ड देगी छोटी सी सक्सेस पे, या इंफॉर्मेशन देगी स्मॉल यूनिट्स में, या फिर इंफॉर्मेशन को एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में प्रेजेंट करेगी, उनके सामने पेश करेगी कि वो आसानी से याद कर सकें, दोबारा रिकॉल कर सकें। सिंपल है, इंडिपेंडेंट सोच, मतलब बिना किसी की हेल्प के जब बच्चे कुछ काम कर रहे हैं, वो तभी कर सकेंगे जब वो अपने सीखे हुए कार्य को मॉनिटर कर सकेंगे। मॉनिटर होगा मतलब देख रेख, निगरानी कह सकते हैं आप, सुपरवाइज कर सकेंगे, उसके बेस पे वो फिर खुद से डिसीजन ले सकेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल इसका राइट आंसर है, कि बच्चों को ये सिखाना कि जो उन्होंने सीखा है वो अब मॉनिटर करें, उन्हें देखें कि उन्होंने क्या सीख लिया है, उस पर रिफ्लेक्ट करें, इससे बच्चों में एक इंडिपेंडेंट सोच आती है। ठीक है, ना कि बच्चों को रिवॉर्ड देना या फिर काम दे देना छोटे छोटे चांस में। हमने क्वेश्चन की सेंस को हमेशा समझना है। ओके, 18वां क्वेश्चन देखें, नोइंग द नाइव कंसेप्शंस, पिछली बार भी हमने नाइव थ्योरीज के बारे में पढ़ा था जो बच्चे क्लासरूम में लेके आते हैं। नाइव कंसेप्शन मैंने आपको बताया था कि बच्चों का एक अपना ही वर्ल्ड होता है, उसमें बहुत सारी थ्योरी होती है, ड्रीम, मतलब अजीब सी दुनिया होती है उन लोगों की। तो वो जब क्लासरूम में लेके आते हैं तो फिर टीचर का आगे क्या काम है? जो बच्चे लेके आते हैं क्लासरूम में डज नॉट सर्व एनी पर्पस ऑफ द टीचर, मतलब टीचर को उससे कोई फायदा नहीं होता। पुल डाउन द टीचर्स मोरेल्स इज इन इट इंक्रीजेस हिज वर्क, टीचर का मोरेल नीचे आ जाता है, मतलब मोरेल को, अब क्या कहोगे हिंदी में, एक होती नहीं काम करने का जोश कह लो, क्योंकि उसका काम जो है बहुत बढ़ जाता है। जहाँ टीचर की हेल्प करता है उसको टीचिंग प्लान करने में मोर मीनिंगफुली, या हैम्पर करता है, हैम्पर मतलब रोकता है टीचर प्लानिंग एंड टीचिंग, हैम्पर मतलब रुकावट। तो देखें, बच्चे जो क्लास में लेके आते हैं वो उनकी प्रायर नॉलेज है, ठीक है, अपने आसपास को लेके। टीचर को तो खुश होना चाहिए कि बच्चे अपनी नॉलेज लेके आ रहे हैं, कि टीचर उसी को बेस बना के, उसी को फाउंडेशन बना के अपने टीचिंग आगे प्लान करेगी। ठीक है, बच्चों को रिलेट कर सकेगी उस टीचिंग से, बच्चे भी जल्दी समझेंगे कि हाँ भाई, जो जो हमें पता है उसको आगे हम एक्सटेंड कर रहे हैं, उनकी लर्निंग एक्सटेंड हो रही है जो उन्हें ऑलरेडी पता है। ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैं आपको कुछ नया चीज बताऊं वो ज्यादा आपको जल्दी आएगी, या आपको जो पहले पता है उसकी आगे लेबोरेशन कर दूं, ठीक है, वो ज्यादा पता चलेगी। तो सिंपल सी बात है, बच्चे के जो नाइव कंसेप्शंस होते हैं, टीचर की हेल्प करते हैं उसको टीचिंग प्लान करने में मोर मीनिंगफुली। मोर मीनिंगफुली मतलब यही है कि जो
जैसे मान लो बच्चों को मोशन का कंसेप्ट समझाना है, तो बच्चों को पहले थोड़ा बहुत पता हो, तो इससे बच्चों की समझ है जो वो बढ़ेगी। क्लियर? सिंपल था ये क्वेश्चन। 19, इफ टीचर वॉन्ट्स आवर स्टूडेंट्स टू एक्वायर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, द स्टूडेंट शुड बी एंगेज इन एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व। अगर टीचर बच्चों में चाहती है कि उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आए, तो उसको बच्चों में किस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना चाहिए? रिकॉल, मेमोराइजेशन या कॉम्प्रिहेंशन? ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव वर्ड है। स्ट्रक्चर्ड वर्कशीट्स कंटेनिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, या इंक्वायरिंग, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग। जहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात आती है, तो वहां पे हमेशा इंक्वायरिंग, रीजनिंग होगी एंड डिसीजन मेकिंग होगी। अगर बच्चे इन तीनों में, इंक्वायरिंग, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होंगे, तभी उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आएंगी। बिल्कुल ही अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, तो ऑप्शन इसका 4 राइट आंसर है। ठीक है, रिकॉल करना, मेमोराइजेशन करना, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ये चीजें प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन्वॉल्व नहीं होती। चाहे ड्रिल एंड प्रैक्टिस आपको पॉजिटिव वर्ड लग रहा हो, पर आपने क्वेश्चन की भी समझ रखनी है। द यूनिक इंटरेक्शन ऑफ डैश एंड डैश कैन रिजल्ट इन डिफरेंट पाथ्स एंड आउटकम्स ऑफ डिवेलपमेंट। ठीक है, यूनिक इंटरेक्शन ऑफ व्हाट? हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, चैलेंजेस, लिमिटेशन, स्टेबिलिटी चेंज, एक्सप्लोरेशन एंड न्यूट्रिशन। किन चीजों की इंटरेक्शन जो है वो विकास लेके आती है? क्या पढ़ा हुआ हमने? डेवलपमेंट क्या है? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है जी। सिंपल, तो इंट्रैक्शन किसकी होगी? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की। ठीक है, हेरिडिटी का भी इम्पैक्ट रहता है और डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट का तो फिर रहता ही है। ठीक है जी, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन मैंने अंडरस्टैंडिंग बेस पे इंक्लूड किए थे, बट ये प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अगर आप एग्जाम पेपर उठा के देखो, तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन हम करते रहेंगे, आपकी एक अच्छी समझ बनती रहे, बस यही आशा है। उम्मीद है कि मेरे लेक्चर्स कुछ डिफरेंस लेके आ रहे हैं आपकी तैयारी में, तो मुझे तो बहुत खुशी होगी। तो ऐसे ही आप सीरीज फॉलो करें। ठीक है जी, होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सपोर्ट करें आपको, सो दैट आप कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन मिस ना करो। ठीक है, बेल आइकन दबा सकते हैं, क्योंकि जब भी नई वीडियो आएगी तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस वंदा बंसल साइनिंग ऑफ टुडे, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।